अच्छा, मैं कहीं निकलने से पहले मैं थोड़ा सा घूमने निकलूंगा, आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा, बट मैंने बाजू में देखा राजू राजू इसको अभी नींद आ रही है। ये पड़ोस के घर में ही है। स्लीप मोड ऑन, अपन चलते हैं। चलो दी, आज से अभी उठ गया, जैसे ही मैं आ रहा हूँ सो जा रहा है। नहीं तू घूमी पड़ती बार बार, लगता है मेहमानों को देख के ये सोने की एक्टिंग करता होगा शायद। चलो ये आज से है। की बना छोटा घुगनी, ओके घुगनी। हम लोग छोले को भी बोलते हैं, मटर होते हैं ना, इसको घुगनी भी बोलते हैं। चलो ठीक है, आज इज आस्किंग फॉर द परमिशन। वहाँ से एक सीढ़ी है, वहाँ से चल सकते हैं क्या? अच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं बस? अच्छा, उस पर देखने के लिए, ओके। अच्छा तो क्या हम लोग पेड़ में चढ़ने वाले थे क्या? ओके, उस पार से व्यू बहुत अच्छा आता है, इस वजह से इज आस्किंग मी टू क्लाइंब देयर। लेट मी ट्राई, या इट्स इजी। ओके, कुछ खास और दिख नहीं पा रहा है व्यू पेड़ वेड़ की वजह से, थोड़ा सा किसे जुनो है इटा? अच्छा, जैसे ये जो है ना सुपारी का आउटर है, ये छिलके हैं, इसको सुखाते हैं, देन इसके बाद फिर उसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये विलेज तो नहीं है एग्जैक्टली, टाउन भी नहीं बोल सकते पूरी तरह से, बट आई लव टू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। ये जो भी आप देख रहे हो ये है शापला। शापला हम लोग बोलते हैं, और शापला होता है एक्चुअली एक वाटर लिली। तो फ्लावर नहीं खाते हैं ये, जैसे इसका स्टेम है इसको पूरा इस तरीके से पील करते हैं, एंड देन पील करने के बाद इसकी सब्जी बनती है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बनने के बाद। ये मैं एक दिन ऑफिस में लेके गया था, एंड पीपल वेर आस्किंग क्या क्या चीज़ लेके आ जाता है। तो बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। तो दिस इज शापला जो मैं आप लोगों को दिखाया था काटते हुए। इसी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, एंड देन कुक करते हैं। और जीजा जी मेरे बना रहे हैं आज शापला। मामूली है लग रहा है, बहुत मिर्ची होने वाला है मुझे लग रहा है। दीदी से सुना है मैंने, बहुत अच्छे कुक है, आज मैं खा के देखूंगा। मैं थोड़ा सा अभी कल्याणी एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ जीजा जी के साथ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा लाइन से बहुत दूर तक एक बहुत बड़ा सा लेक है, और मॉम डैड हम लोग यहाँ से नर्सरी जाएंगे। मॉम डैड निकल गए डायरेक्टली टोटो से, मैं यहाँ से, ये है टिकट हाउस, ओके। और एटा की एटा ये भी एक ऑडिटोरियम है, और मॉम एंड डैड डायरेक्टली गए हैं नर्सरी। और मैं थोड़ा सा और जी मेरे को थोड़ा सा और दूसरे तरफ से घुमा के ले जा रहे, ताकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकूं। और लंबा एक लेक है यहाँ पे बहुत प्यारा सा, और उसी के अंदर यहाँ से पूरा ऑडिटोरियम वगैरह भी है। अच्छा, और ये है एंट्रेंस, यहाँ से टिकट मिलेगा और वहाँ से एंट्रेंस है। तो अभी मैं आ गया हूँ नर्सरी। नर्सरी हम लोग कल्याणी आते हैं तो नर्सरी आते ही ज़रूर है, मतलब मैं तो खैर पहली बार आया हूँ, मॉम एंड डैड दो चार बार आ चुके हैं,
तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की नर्सरी ज़रूर एक्सप्लोर करके जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अलग अलग और डिफरेंट टाइप के जो पेड़ है जो वहाँ पे ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ भिलाई में मिलते नहीं हैं, तो यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं। यहाँ से हम लोग काफ़ी सारे प्लांट्स लेके गए हैं और कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो वहाँ पे आप लोगों को देखने में नहीं मिलेंगे, और फ्लावर्स वो देखने को तो मिलेंगे लेकिन उस कलर के नहीं मिलते। सब पूछते रहते हैं कि इस कलर का भी उगता है क्या, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लांट्स एंड फ्रूट्स के। और अभी हम लोग जामरुल जो है, जामरुल आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, अगर उगेगा तो आई डेफिनेटली शो यू गाइस। जामरुल एक फल होता है मीठा, बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से खाता हूँ, कोलकाता आता हूँ तो ही खाने को मिलता है, तो इस बार लेट्स सी हम लोग लेके जा सके तो। और भी कुछ कुछ प्लांट्स हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, लेंगे देन आई शुड। এটা লেবু কি লেবু কামকুয়াট ওটা কি হয় ये ना मुझे ना संतरा लग रहा था लेकिन ये नींबू है। दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और बहुत खट्टे होते हैं, छोटे छोटे साइज के ही उगते हैं ये। और ये जो है छोटे छोटे पॉट्स हैं, जब बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं तब इसको इसमें लगाया जाता है, देन उसके बाद फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं फिर थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं। और ये देखो यहाँ पे चीकू, ये हम लोग पेड़ ये वाला लेके गए थे, ये इतने इतने छोटे पेड़ रहते ही ये ना आ जाते हैं फल और ये पक जाते हैं। और वो जो आप देख रहे हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तोड़ा था आमरा, देखो इतना छोटा प्लांट है लेकिन इतने में इतने सारे उग गए हैं, वो थोड़े दिनों में थोड़े टाइम बाद वो भी पक जाएंगे। और ये देखो ये आम पेड़ है, कितना छोटा सा है ये आम का पेड़ और उतने में ये इतना बड़ा सा आम। কি করছিস তুই? ভিডিও দেখছিস? পড়াশোনা হয়ে গেছে? ওকে চল। ओके देन गुड मॉर्निंग टू ऑल, ये बस कैमरा से भागते रहता है। ओके चल, हो गया तेरा पढ़ाई? तो बहुत ही बेहतरीन कुक है जीजा जी, और अभी चूल्हे में ऊपर खाना बन रहा है और बहुत ही अलग टेस्ट आता है जब चूल्हे में खाना बनता है तो।